फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए टाइप ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए टाइप ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर देखिए टाइप ऑफ रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन है वह है आपका फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए ये सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ये आप क्लास 10 में पढ़ के आए होंगे, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, नहीं पढ़े हैं क्लास 10 में है, इसी को रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, समझे। देखिए ये जनरली क्लास 11 में भी पढ़ना था, तो अपने इसको बार बार पढ़ा देंगे तो हम बहुत पीछे चल जाएंगे सिलेबस। देखिए सबस्टिट्यूशन रिएक्शन क्या बोलता है, एक ऐसा रिएक्शन जहां पर एक ग्रुप आ रहा हो और दूसरा ग्रुप जा रहा हो, ठीक है ना, हेलोजन आ रहा था तो हाइड्रोजन जा रहा था, तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पर एटम चाहे ग्रुप ऑफ एटम आ रहा हो, चाहे ग्रुप चाहे एटम चाहे ग्रुप ऑफ एटम जा रहा हो, तो होने वाले रिएक्शन को सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जनरल लाइफ में बात करते हैं, मान लीजिए क्लासरूम में बाहर से एक स्टूडेंट आया और उसके सीट पे बैठ गया, और जो बैठा हुआ तो वो उठ के बाहर चला गया, यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट बोलेंगे, उसी तरह यहाँ पर बोलेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप, समझे। और रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप को सबस्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, चाहे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, चाहे रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, इतने सारे नाम है, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग नाम है। देखिए हमें थोड़ा सा किताब पढ़ने बहुत शौक है, तो बहुत सारी किताब पढ़ते रहते हैं, आप अलग अलग नाम है तो देखिए यार ये तो नाम अलग है, तो नाम अलग है दिमाग में जल्दी से होता है, तो नया चीज देखते थे ऐसा बात है समझ में। ये तो क्या आपका सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन का शुरुआत कौन कर रहा है, आपका फ्री रेडिकल, ठीक है ना, ये फ्री रेडिकल इसके पास आ रहा है, ये फ्री रेडिकल इसके पास आ रहा है, ये फ्री रेडिकल इसके पास जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन की शुरुआत कौन कर रहा है, फ्री रेडिकल। अब पूरा बोल रहे एक ऐसा रिएक्शन जहां पर एक ग्रुप आता हो और दूसरा ग्रुप जाता हो, लेकिन रिएक्शन का शुरुआत फ्री रेडिकल करता हो, तो होने वाले रिएक्शन को फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये क्लियर हुआ, टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन, मतलब हेलोजन को आपका रिएक्टिविटी का क्रम लिखना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन। देखिए आप ये जो रिएक्टिविटी टर्म है ना, ये आप बहुत पहले बहुत बार देख चुके हैं बुक में, आप क्लास टेन में तो रिएक्टिविटी ये जो टर्म है ये बहुत बार आया होगा, लेकिन आपको क्लियर कोई नहीं बताया होगा, आज आपको क्लियरली कुछ बता देते हैं। देखिए रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया और तुरंत उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले गया, तो उसको बोलेंगे उसकी रिएक्टिविटी फास्ट है। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया और धीरे धीरे उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले जा रहा, तो उसको बोलेंगे उसकी रिएक्टिविटी लो है, चाहे स्लो है, समझे। और जनरल लाइफ की बात की जाए, देखिए देखिए कोई कोई पेरेंट्स को बच्चे को बोलते हैं कि वो काम कर दो, तो जो बच्चा छोटा होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, वो तुरंत कर देगा, तो जो बच्चा बड़ा होता है वो धीरे धीरे सोचता है करे कि नहीं करे, वो कहता है कि मम्मी आप ही कर दो ना, इस तरह भर के निकल जाता है, तो वो क्या वो लेस रिएक्टिव है, समझे। अब देखिए आप सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव आपका क्लोरीन है, क्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है क्लोरीन से, और क्लोरीन आपका मोर रिएक्टिव होता है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन आपका मोर रिएक्टिव होता है आयोडीन से। ये भी शायद आप पढ़े होंगे थोड़ा मोड़ा टेन में, देखिए उसके पीछे वजह क्या है आपका, हम बताए थे आपको क्लोरीन और क्लोरीन के बीच बनने वाला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है कि कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए क्लोरीन से हम क्लोरीन की ओर आ रहे हैं, तो देख रहे हैं कि बॉन्ड का लंबाई मेरे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, देखिए ना, जब बॉन्ड का लेंथ छोटा होता है ना तो वह मोर रिएक्टिव होता है, और जब बॉन्ड का लेंथ बड़ा हो जाता है ना तो वो आपका लेस रिएक्टिव होता है, जैसे अभी छोटा बच्चा मोर रिएक्टिव और बड़ा बच्चा लेस रिएक्टिव, समझे, जो बोले ना जो रोड पे वही बोर्ड पे रिए, तो ध्यान रखिएगा कि क्लोरीन मोर रिएक्टिव है और आयोडीन आपका लेस रिएक्टिव है। अब देखिए यहाँ पे मामला क्या गड़बड़ होता है, क्लोरीन आपका मोर रिएक्टिव है, मान लिया आप हेलोजन के रूप में अगर
फ्लोरीन ग्रुप को लीजिएगा, यहाँ पर भी बॉन्ड टूटेगा, दो इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बनाए, यहाँ पर फ्लोरीन ग्रुप जुड़ गया। और ये देखिए हाइड्रोजन जुड़ेगा फ्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ जुड़ेगा, यहाँ पर बना लेगा हाइड्रोजन ग्रुप राइट, समझे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्शन आपको होता है वो दिख रहा है ना, ये रियली में ऐसा रिएक्शन पाया ही नहीं जाता है, समझे। इसके पीछे वजह सुन लीजिए क्या है, ये रिएक्शन होता जरूर है, ये रिएक्शन कभी भी जनरल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। उसके पीछे वजह क्या, सुनिए, फ्लोरीन आपका मोर रिएक्टिव है, ये प्रोडक्ट बनता है, समझे, ये बाय प्रोडक्ट भी बनता है, लेकिन फ्लोरीन मोर रिएक्टिव होने की वजह से यहाँ से जो मोर अमाउंट में एनर्जी आपका रिलीज होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में, मान लीजिए आपको ये बर्तन है, ये कंटेनर है, कंटेनर में मान लीजिए कि हम एल्केन डालें और बाहर से फ्लोरीन डालें, रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद मेरा बन गया हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन जो बना वो फ्लोरो एल्केन, फ्लोरो ग्रुप बोलता है यार हम तो मोर रिएक्टिव है, हम आए पक्का बर्तन तुम्हारा तोड़ फोड़ कर देंगे, समझे। तो फ्लोरीन मोर रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करता है, एक्सप्लोसिव हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, बर्तन तोड़ फोड़ देता है, समझे। अब बर्तन टूट जाएगा तो जो सेंसर तो डरेगा ना, वो तो कहेगा यार मेरा जिंदगी का सवाल है, ये तो फ्लोरीन तो बर्तन ही तोड़ फोड़ रहा है, कि हम ही को तोड़ देगा। तो ऐसी हालातों में रिएक्शन करने से भी लोग डरते हैं, समझे। इसीलिए वो रीजन देखिए, जो यहाँ फ्लोरीन मोर रिएक्टिव है, फ्लोरो एल्केन बनाया, फ्लोरो एल्केन बनाने के कारण मोर अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होने की वजह से जो ये बना हुआ प्रोडक्ट है ना, ये बना हुआ प्रोडक्ट राख में कन्वर्ट हो जाता है, और राख को हम लोग बोलते हैं एस, समझे। जो फ्लोरीन से रिएक्शन होता है लेकिन मोर रिएक्टिव होने की वजह से वह हमेशा एस के रूप में, मतलब राख के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए कभी भी हम लोग फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं कराते। तब मेरे पास क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन बचा, ठीक है, फ्लोरीन लेके सबको समझ में आया, ये रिएक्शन हम दिखा नहीं रहे, ठीक है। अब पहले पॉइंट हम कुछ दिखा दे रहे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, देखिए फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इज, फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इज एक्सप्लोसिव, फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इज एक्सप्लोसिव एंड हेंस नॉट सुटेबल, एंड हेंस नॉट सुटेबल। ठीक है, आवाज समझ आया ना आपको, एक्सप्लोसिव को तुम विस्फोटक, आपको सुनते हुए जम्मू कश्मीर में हादसा हुआ था, उसमें जो आरडीएक्स लेके जाया जा रहा था, आरडीएक्स रिसर्च डेवलपमेंटल एक्सप्लोसिव, यही बम बारूद जितना भी होता है, न्यूक्लियर जितना भी सुनते हैं बम बारूद मिसाइल, इसी का यूज होता है, इसको एक भी गलती से चिंगारी मिल जाएगा तो इतना खतरनाक विस्फोट करेगा कि आप सोच नहीं सकते। वो आरडीएक्स गाड़ी में भरा हुआ था, सेना का जवान गाड़ी जा रहा था, वो कुछ नहीं किया, वो भरा हुआ आरडीएक्स उसे थोड़ा सा टकरा दिया, समझे, उसके बाद वो विस्फोट हुआ। जानते हो ये 14 फरवरी का बात है, हाँ, उसी को ब्लैक डे के नाम से मना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए अब बताइएगा, अभी आप हमको बताए थे कि 3 डिग्री कार्बन पीरियड का मोर स्टेबल कि लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, उसके बाद 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। देखिए 3 डिग्री कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन तो बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव होगा ना वो आपका वह होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन, समझे। उसके बाद जो मोर रिएक्टिव होगा ना वह होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, उसके बाद जो मोर रिएक्टिव होगा वह 1 डिग्री हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर फिर से हाइपर कंजुगेशन का यूज किए, देखिए हम देख रहे हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग टॉपिक से यूज करने लगे, तब हम यहाँ पे नहीं लिखा पाएंगे, इसी वजह से हम पहले पढ़ाएं, समझे। अब वजह जाने की हम क्यों पढ़ाएं, हम आपको केमिकल रिएक्शन खेड़ेंगे तो फर्स्ट टाइम रिएक्टेड प्रोडक्ट, वही रिएक्टेड प्रोडक्ट आप फिर से बोलने लगे हैं ना, वो पता इसके लिए बहुत डिफरेंस है। ये उन्होंने लिखे 3 डिग्री हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन,
लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में आइए आप एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखिए एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन में लिखिए फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन और क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब अल्केन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कीजिएगा ना सनलाइट के प्रेजेंस में, तो उसको फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन बोलते हैं, समझे। अब ब्रोमीन का देखिए, जब अल्केन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कीजिएगा ना सनलाइट के प्रेजेंस में, तो उसको बोलेंगे फोटोकेमिकल ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन, समझे। तो दोनों टॉपिक को मिक्स है पढ़ा रहे थी सर। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा है एल्केन का नाम बताइए, मीथेन की इथेन, मीथेन। यहाँ देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मीथेन का ले रहा हूँ, मीथेन। अच्छा सबसे छोटा एल्केन आप मीथेन बोले तो बताइएगा ये लोअर एल्केन है कि हायर एल्केन। ये लोअर एल्केन है, एक कार्बन को लोअर एल्केन बोलते हैं, एक कार्बन को छोड़ के हायर एल्केन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और एडी मार्क्स देते हैं, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन ऑफ लोअर एल्केन, समझे। जब आप समझ गए तो छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है सी एच फोर, सी एच फोर को हम लिख सकते हैं सी एच थ्री एच, और रिएजेंट के रूप में क्लोरीन चाहे ब्रोमीन आप ले सकते हैं। फिर हम मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं क्लोरीन, ओके। और यहाँ पर जो एरो के ऊपर सी फोर सी हम ले रहे हैं सनलाइट, लेकिन कभी भी आपको सनलाइट लिख के नहीं देगा, आपको सनलाइट का सिंबल देगा हमेशा लिख के। सनलाइट का सिंबल क्या होता है आपका एच न्यू, ठीक है। अगर सनलाइट नहीं होता तो क्या लेते, हाई टेम्परेचर, और अगर हाई टेम्परेचर भी नहीं होता तो अल्ट्रावायलेट लाइट। एक चीज बता रहा हूँ, हाई टेम्परेचर का जरूरत क्यों पड़ा। मान लीजिए सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट आपके पास है नहीं, मान लीजिए बादल वाला मौसम कर दिया तो सनलाइट तो आपको नहीं मिलेगा, वैसे हालत में आपको रिएक्शन भी पूरा करना है तो आपके पास गैस बचता है, गैस से आप इतना टेम्परेचर प्रोवाइड कीजिएगा तो वो 300 से 500 डिग्री सेल्सियस के रेंज में पहुंच जाएगा। जब उस रेंज में वो पहुंच जाएगा ना तब रिएक्शन शुरुआत होना चालू होगा, 299 डिग्री सेल्सियस भी रहेगा ना तो भी रिएक्शन नहीं होगा शुरू। जैसे पानी देखिए ना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट, जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो 99 में भी नहीं पहुंचता है, वो भाप नहीं बनने लगता है, समझे। आप देखिए वो स्लाइटली भाप बनता है थोड़ा थोड़ा सा, वो करीबी हो गया जैसे थोड़ा सा भाप बनते हुए दिखाई देता है, समझे। तो फिलहाल याद देखिएगा टेम्परेचर में, यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड तोड़े दो इलेक्ट्रॉन दिया, फिर यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़े दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कार्बन। अब इसका नाम हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल, इसका नाम हो गया हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, इसका नाम हो गया क्लोरीन फ्री रेडिकल, समझे। जहाँ क्लोरीन लिए है वहाँ पर आप ब्रोमीन भी दिया जाएगा परीक्षण में, कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेस होगा, समझे। अब देखिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पर लिखिए मिथाइल ग्रुप, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, क्लोरीन ग्रुप है तो यहाँ पर लगा दिए क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ये क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बना लिया HCl। इसको कॉमन नेम बताइए, मिथाइल क्लोराइड, और यूपेक ने बताइए क्लोरोमीथेन, हाँ ठीक है वन क्लोरोमीथेन बोलिए तो भी सही है, और इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है मीथेन, और इसका नाम क्या है क्लोरीन। ये फर्स्ट टाइम आया आपके पास तो लिख लीजिए, इसका नाम क्या है आपका क्लोरीन, ओके। लैंग्वेज में ये पे देखिए, जैसे इसको हम आपको जनरल लैंग्वेज लिखा है, ठीक है, इसको इस लैंग्वेज बोलिए किस तरह बोलना पड़ेगा, कि जब मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं सनलाइट अल्ट्रावायलेट लाइट या हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, और होने वाला रिएक्शन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन कहलाता है। जितना हमें बोले ये इतना लाइन उतना आपको बोलना आना चाहिए, बहुत बार बोलेंगे आप, समझे। हम इसीलिए आपसे बोलवा रहे थे, समझे, और जितने से इसी तरह बोलवा देंगे। अभी जो आपको लैंग्वेज लिखा है ना वो लैंग्वेज एग्जाम में पूछता ही नहीं है कभी, समझे। हम ऐसे आप पढ़िए इसलिए लिखा दिए,
तो एग्जाम में पूछेगा ये दिए रिएक्शन सिर्फ पूछेगा, इतना दिया रहेगा आपको सिंपल सिर्फ परीक्षा में इतना बना के आऊंगा, समझे। ये हो गया आपका ये वाला कंडीशन। अब देखिए ये तो क्लोरीन एचसीएल याद रखिएगा, ये जो क्लोरीन आपको दिख रहा है ना, ये लग रहा है आपको क्लोरीन है दो कॉम्पोनेंट दो एटम से मिलकर बना हुआ है, ये भी दो ही एटम से मिलकर बना हुआ है, ये भी लग रहा है सी एच फोर मीथेन है। तो सी एल टू यहाँ पर सिर्फ दो नहीं है, यहाँ पर देखिए एक मोल ही है, तो वन मोल सी एल टू है, और वन मोल जानते हैं आप 6.02 × 10²23 इतना सारा है, अब ये भी एक मोल मॉलिक्यूल मीथेन का है। देखिए यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, समझे। रिएजेंट के पहले जो लिखा रहा था ना उसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये भी क्लास 11 में पढ़ना। रिएक्शन के जो पहले लिखा रहा था उसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आया ये बस में। देखिए क्लोरीन जब ये लिमिटेड अमाउंट में लिया गया, अब देखिए क्लोरीन थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है, मीथेन था तो मीथेन का सिंबल सी एच फोर था, तो यहाँ पर सी एच फोर लिख दिया। मीथेन का रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ किए, देखिए इसी फॉर्मेट को कभी कभी ऐसे लिखेगा, ये जो क्लोरीन रिएजेंट है ना, ये रिएजेंट एरो के ऊपर भी लिखा रहा था, समझे। तो क्लोरीन को देखिए अभी कुछ इस तरीके से लिखिए, ये सनलाइट है तो सनलाइट को देखिए कुछ इस तरह से, ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट सेम फॉर्मेट है केमिस्ट्री में, समझे। ये दोनों अलग अलग तरीका नहीं, ये सेम ही तरीका है, ये रिएजेंट को सिर्फ एरो पे रख दिए, समझे। अब देखिए यहाँ पे मामला, यहाँ से हाइड्रोजन क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, यहाँ से भी आपका निकल जाएगा HCl, और बाय प्रोडक्ट आपका HCl और मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मेन प्रोडक्ट बताइए, मेन प्रोडक्ट आपको क्लोरोमीथेन बन जाएगा ना। सर अभी तो बताए कि क्या बता रहे हैं, उसके बाद आप बता देखिए, ये जो क्लोरीन वो लिमिटेड अमाउंट में लिए हैं, और जब आप जो क्लोरीन ले रहे हैं वह एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं, मतलब तो ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, एक मोल से ये ज्यादा है, समझे। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वह हो गया मेरा CH3Ca, और रिएजेंट हम क्लोरीन ही है, यहाँ पर देखिए रिएजेंट हम लिख दिए क्लोरीन, यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट HCl लिख रहा है ना, वो HCl को आप एरो के नीचे दिखा सकते कुछ इस तरह से, देखिए हाँ ये इधर वाला है, समझे। देखिए धीरे धीरे सब चीज आते जा रहा है, इसको पढ़ते रिमूवल ऑफ HCl, समझे। इसे बैक प्रोडक्ट को यहाँ ना दिखा के आप यहाँ दिखा सकते हैं, ये भी सही तरीका है। ये तो CH3Cl बन गया, यहाँ पे देखिए हम आपको लिखाए थे कॉपी में जो रिएजेंट होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, याद है, और सबस्ट्रेट लेस रिएक्टिव होता है। सबस्ट्रेट रिएक्शन तभी चालू करता है करना जब उसको रिएजेंट मिलता है, समझे। ये बर्तन में अगर CH4 तो पड़ा रहेगा, जब रिएजेंट एंट्री करता है तब ये मूवमेंट करना चालू करता है। मीथेन देखते रिएजेंट आया तो मन में ख्याल आते लगता बाउंड मेरा टूटेगा, ये रिएजेंट फिर है ना सो कैटलिस्ट के भरोसे रहता है, समझे। वो सोचता है कि काश कैटलिस्ट भी आता तो और रिएक्शन फास्ट होते, कैटलिस्ट आता तो उसके बाद रिएक्शन दमदम चालू हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्लोरीन को आप एक्सेस अमाउंट में लिए, ये मिथाइल क्लोराइड तो बन गया, ये मिथाइल क्लोराइड है सो एक्सेस क्लोरीन की तरफ देखा, और एक्सेस क्लोरीन की तरफ देख के बोलता है कि झुकेगा नहीं, मतलब ये तब तक प्रोडक्ट बनाएगा जब तक सारा का सारा हाइड्रोजन यहाँ से हट जाए नहीं, समझे। अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक सी एल फिर से यहाँ पे से क्या निकल गया आपका एच सी एल, यहाँ पर सनलाइट है, समझे। ये सनलाइट हम बार बार नहीं दिखा रहे, एक बार हम दिखा दिए ना, वो सनलाइट सब में रिएजेंट इसलिए रिएजेंट को दिखाना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ से आपका एक एच एक सी एल हटेगा, यहाँ क्या बचेगा आपका सी एच टू, और एक सी एल और बचे हुए सी एल जुड़ जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका सी एल टू, समझे। ये बन गया आपका डाइक्लोरोमीथेन, याद इसको कॉमन नेम क्या पढ़ते थे, मिथाइलिन क्लोराइड। अब आपको मैसेज हो रहा है कि जो चीज पढ़ाए वो सब हम तो ये परसों बोले थे ना, जो हम पढ़ाए वो चीज हम रिटर्न मांगेंगे, देखिए वो पल अब आ गया है, समझे। वो चीज हमको चाहिए, इसका कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइलिन क्लोराइड। फिर इसका रिएक्शन फिर से क्लोरीन के साथ हो जाता है, क्योंकि अभी भी देखिए इस कार्बन के पास अभी भी दो हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और यहाँ पर बना लेगा HCl, और बचा हुआ क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, यहाँ बना लेगा आपका CHCl3। अब ये कार्बन बोलता है मेरे पास तो अभी भी एक हाइड्रोजन है, तो फिर ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा,
और फिर यहाँ से एक एच सी एल निकलेगा, बाय प्रोडक्ट एच सी एल, और यहाँ पर ये आपको बच जाएगा सी सी एल फोर, ठीक है, तीन और एक क्लोरीन, चार क्लोरीन, यहाँ से एच सी एल निकल गया, ये बन गया सी सी एल फोर। अब इन चारों में से सबसे ज्यादा मात्रा कौन बनेगा, तो वो है आपका सी सी एल फोर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, समझे। अब देखिए अगर आप इसे सोचेंगे कि सर दो क्लोरीन है, तो आपके मन में ये सब ख्याल कभी आएगा भी नहीं, समझे। और अगर दिखा भी देते नहीं बताते ना, तब सोचते कि पता नहीं गलत दिखा दिए क्या, क्लोरीन तो एक ही बार लिए, बार बार लिख दिए, तो क्यों लिखे समझ ना, क्योंकि ये एक मोल है, समझे, इसलिए बार बार लिखे। वहाँ ध्यान रखिएगा इन चारों प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में ये बनता है, ये मेजर प्रोडक्ट, अब लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये मेजर, समझे, वो कम बुक में, हाँ मेरे से पूरा लिखना पड़ेगा आपको, हाँ ये दोनों एक से नोट कीजिए ना, इसको शॉर्टकट फॉर्म देखिए, इसका शॉर्टकट फॉर्म में लिखा रहे, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म में देखिए, देखिए इसी रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये आपका मीथेन है, यहाँ पर मीथेन लिखिए, क्लोरीन को सी एल टू लिखेंगे, अब क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में लिए तो यहाँ पर लिखिए आपका एक्सेस, यहाँ पे सनलाइट है तो यहाँ पर लिखिए सनलाइट। देखिए मेरे पास चार प्रोडक्ट बना हुआ ना, चारों प्रोडक्ट को देखिए हम लिखेंगे सी एच थ्री सी एल सी एच टू सी एल टू, और ये क्या आपका सी एच सी एल थ्री, और ये क्या आपका सी सी एल फोर, इसका नाम याद है आपको कॉमन है क्लोरो फोर। अरे हम बोलते थे कि चोर लोग इसी को सुलगा के बेहोश करते हैं इंसान, और ये सी सी एल फोर कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी को हम बोले थे कि इसको आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है, याद आ रहा है कुछ, फायर एक्सटिंग्विशर हम बोलते थे। ये देखिए ये चार प्रोडक्ट बन गए, जो एच सी एल है ना उस एच सी एल को यहाँ पे लिखाइएगा, क्योंकि आप एच सी एल यहाँ दिखाइए तो और कन्फ्यूज कर जाइएगा, क्योंकि प्रोडक्ट आज तक आप लोग से एक ही बनते हुए दिखे, आज तक जो आप रिएक्शन पढ़े ना बहुत ईजी सी पढ़े, इतना आसान था कि आपको टफ का कभी असर नहीं दे रहा है, अब जो रिएक्शन पढ़े ना वो लेवल थोड़ा सा अच्छा वाला है। तो ये देखिए ये लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा, इसको लिखिए और करके फिर ये लिखिएगा, तो शॉर्टकट फॉर्म में आपको यही वाला याद रखिए। अच्छा ये बताइए कि मोनो हैलाइड की डाई हैलाइड, ये डाई हैलाइड, और ये ट्राई हैलाइड, और ये आपका टेट्रा हैलाइड।